Hey guys, this is Kinnari Singh and a warm welcome to Glitz Vision USA. तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि लॉर्ड पुनीत तो ऑलरेडी एविक्ट हो चुके हैं. देर आर रूमर्स कि वीकेंड के बाद में वो फिर से अपना कम बैक करेंगे, बिकॉज डेफिनेटली वो ही एक इंसान है जो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो टीआरपी दे रहे हैं. और अब सुनने में आया है कि पलक भी एलिमिनेट हो सकती है. दरअसल हुआ ये कि आकांक्षा और पलक साथ में इन्होंने घर में एंट्री की और उसके बाद ये जनता पे छोड़ दिया गया कि आकांक्षा और पलक में से कौन है जो घर में रहेगा. ऑडियंस की वोटिंग आकांक्षा की तरफ थी, लेकिन पलक को दोबारा से मौका मिला. पलक से कहा गया कि उन्हें 30,000 बिग बॉस की करेंसी जमा करनी है और सुनने में ये आ रहा है कि पलक सक्सेसफुल भी हो गई इस कार्य में. पर डेफिनेटली ये एक पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड था, बिकॉज हमारे सोर्सेस के हिसाब से पलक का ऑलरेडी एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है मेकर्स के साथ. एंड डेफिनेटली ये सब जो हुआ ये हाइप क्रिएट करने के लिए किया गया. बट वी वुड रिक्वेस्ट द मेकर्स ऑफ बिग बॉस कि अब उन्हें थोड़ा अपने गेम में भी बदलाव लाना चाहिए, बिकॉज दिस आर ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग. वेल, आप हमें ज़रूर बताइए आपको बिग बॉस OTT सीजन 2 में कौन सा कंटेस्टेंट सबसे अच्छा लग रहा है, कौन लग रहा है फेक, कमेंट सेक्शन में. और ऐसे ही अपडेट्स के लिए फॉलो कीजिए ग्लिट्स विजन यूएसए को. हाय, आई एम अनघा भोसले एंड यू ऑल आर वाचिंग अस ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए. हाय, दिस इज पारस कलनावत एंड यू आर वाचिंग अस ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए.